और प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने कहा कि प्रदेश के लगभग सभी जगह पर अच्छी बारिश हो रही है और इसी के साथ राजस्थान गुजरात में भी ट्रफ लाइन बनने से प्रदेश के सभी जिलों में अच्छी बारिश होने की अभी भी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि गुना, सागर, सिवनी समेत कई जिलों में 24 घंटे के अंदर भारी बारिश की संभावना है। और इधर राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी अच्छी बारिश हुई है और अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भोपाल में अभी 24 घंटे के भीतर और बारिश होने की संभावना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे पिछले 24 घंटे में जो है हमने पूर्वानुमान दिया था, कहीं कहीं हल्की से मध्यम, मध्यम से मध्यम वर्षा तथा कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना पूरी बनी हुई है। अभी आने वाले 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड के ऊपर बना हुआ है, उसका वर्टिकल एक्सटेंशन 7.6 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल बना है और जो मानसून ट्रफ जा रहा है वो मीन्स अपना राजस्थान से होते हुए ग्वालियर, खजुराहो और आगे फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। और इसके साथ ही जो है एक शियर जोन 21 डिग्री नॉर्थ के ऊपर बना हुआ है, एक ऑफशोर ट्रफ भी बना हुआ है जो कि गुजरात से केरल कोस्ट तक जाता है और गुजरात के ऊपर एक साइसर बना हुआ है जो कि 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल। इन सभी सिनोप्टिक सिचुएशन के चलते जो है आने वाले 24 घंटे में जो है पूर्वानुमान दिया गया है कि पूरे प्रदेश में जो है फ्यू से लेके मोस्ट प्लेसेस तक के वर्षा होने की संभावना बनी हुई है।